नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूँ आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे महासमुंद की, गांजा तस्करों को लेकर बागबाहरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 क्विंटल गांजे के साथ 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। जब्त गांजे की कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई है। एक महिंद्रा पिकअप, एक टाटा टियागो, एक मारुति बलेनो कार, 3 मोबाइल और 4,000 नकद भी जब्त किया गया है। ओडिशा के कोरापुट जिले के रहने वाले हैं ये सभी आरोपी। आरोपियों के नाम कैलाश सेठी, रंजन कोरा, संतोष दौरा, जय सिंह सहित 2 नाबालिग हैं। बागबाहरा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। महासमुंद की खबर आपको बता रहे हैं, गांजा तस्करी को लेकर बागबाहरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 क्विंटल गांजे के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें आरोपियों में से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए लेखराज शाहू हमारे साथ जुड़ गए। लेखराज, बड़ी हम कामयाबी इसे पुलिस के लिए मान सकते हैं क्या? कुछ अभी पूरी जानकारी मिल पा रही है? पूछताछ में क्या सामने आया है? और ये जो इतनी सारी गाड़ियां बरामद की गई है, किन की है, किन के नाम पर है, पूरी जानकारी? अभी महासमुंद पुलिस द्वारा लगातार जो है गांजा तस्करों पर कार्रवाई किया जा रहा है। आज जो है थाना बागबाहरा द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और मुखबिरों के माध्यम से जो सूचना मिला थी कि अवैध गांजा के परिवहन होने वाले हैं, जिस पर थाना बागबाहरा द्वारा नगर पालिका पारा के पास वाहन चेकिंग किया जाता है। चेकिंग के दौरान एक नीला रंग का मारुति बलेनो कार आता है तेज रफ्तार से, उसमें रोक कर जो पूछताछ किया जाता है उसमें 2 व्यक्ति जिसका नाम कैलाश चेटी और एक नाबालिग सवार मिलता है। और जब वाहन की तलाशी ली जाती है तो उस वाहन में 5-5 किलोग्राम के 10 पैकेट में भरा 50 किलो गांजा डिक्की में रखा हुआ मिलता है, जिसे जब्त कर आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरी घटना जो है उसी से संबंधित जो है थाना बागबाहरा के कंटेनमेंट जोन के पास होता है, जहां पर बाईपास करा रहे थे उस दौरान चेकिंग किया जाता है, जिसमें टाटा टियागो कार जो उड़ीसा की ओर से तेज रफ्तार आता है उसमें भी जो है 50 किलो गांजा बरामद होता है। और एक व्यक्ति जो रंजन खोरा और एक नाबालिग उसमें भी मिलता है। और इन चारों आरोपियों से जब गांजा के संबंध में पूछताछ किया जाता है तो इसका जो मास्टरमाइंड होता है वो संतोष दौरा, उसके बारे में मालूम पड़ता है। और वो बताते हैं कि आंध्र प्रदेश पासिंग पिकअप में वो संतोष दौरा जो है गांजा लेकर आ रहा है, जो बड़ी खेप का है। आरोपियों द्वारा बताए गए पिकअप वाहन की जब पता तलाशी किया जाता है। कितना बड़ा गिरोह है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस बारे में जानकारी? और मेन मास्टरमाइंड कौन है, ये तो आपने बताया नाम, और कहां से ये सप्लाई होता है, कितने लंबे समय से ये सप्लाई होता हुआ आ रहा है? जी, लगातार जो है क्षेत्र पर गांजा तस्करी हो रहा है, और जो एक सरायपाली रूटीन पर होता है और एक बागबाहरा रूटीन पर होता है। और ये जो 4 आरोपी इसमें बरामद होता है, 4 आरोपी जो है पकड़ाता है, उसमें से 2 नाबालिग होता है। और ये लोग जो क्षेत्र है वहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा का रहने वाले है, और सतना लेकर जो है ये पूरी गांजा को लेकर के जाता है। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए देख रहा।